हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वोम वेलकम टू शिक्षा गाइस सो गाइस दिस इज़ पार्ट 18 फॉर एमसीक्यूज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एज वेल हैज बीन इंक्लूडेड करंट अफेयर्स वाला पार्ट यहां पर हम कवर अप कर रहे हैं बेसिकली अगस्त मंथ के रहा हूँ सेप्टेंबर मंथ के मैंने पिछले एक दो वीडियोज़ के अंदर आपके साथ करंट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे ओके सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली जो इस बार नबार्ड ग्रेडे का मेन्स देने जा रहे हैं एफ का पेपर आप दे रहे हो डेवलपमेंट असिस्टेंट का अगर आपने एग्जाम फिलअप किया है तो उन सब एग्जाम्स के अंदर आपको काफ़ी यूजफुल रहने वाला है बाकी के एग्जाम्स में भी यूजफुल रहेगा क्योंकि जो एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमी के पार्ट में भी आ जाते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के एस्पेक्ट में आ जाते हैं रूरल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में आ जाते हैं ठीक है काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपके लिए लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तो लेक्चर पूरा दिखिएगा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को और जितना हो सके लेक्चर के ड्यूरेशन में ही चीज़ों को याद कर लीजिएगा दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन एंड 2000 प्लस हमारा नॉन वीडियो एग्रीकल्चर का एम कोर्स है उसके अंदर आपको क्वेज मिलते हैं 30 30 क्वेश्चन के एंड काफ़ी सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स उसके अंदर रहेंगे जो आप कवर कर सकते हो काफ़ी लो प्राइसेस के ऊपर है फिफ्टी परसेंट ऑफ के बाद इट कॉस्ट यू अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज सो वेरी इकोनॉमिकल एंड यू कैन परचेज इट लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका एक फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लेट अस नाउ क्विकली कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ एवरी ईयर ठीक है जी नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ हर साल कौन सा महीने को सेलिब्रेट किया जाता है जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर एक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है या तो आता है या नहीं आता है इसके अंदर

जो थी इस साल की वो सेंटर्ड थी महिला एंड स्वास्थ्य के ऊपर ओके okay, बच्चा एंड शिक्षा पोषण भी पढ़ाई भी जेंडर सेंसेटिव वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ट्राइबल एरियाज तो ये जो थे ये इस साल के मेन थीम्स थे जो आपका राष्ट्रीय पोषण माह है उसके मेन थीम्स थे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए इजी सा क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डेवलप्ड डैश तो of Rural ने एक उसका वॉटर लेवल को मॉनिटर करेगा एक तरीके से तो इस एप का नाम क्या है ठीक है जी ऑप्शन ए जलदूत बी जलाग्रह सी जलगृहा डी जल सागर ई ननोवी अब अगेन पढ़ा हुआ है तभी आंसर कर सकते हो तुक्का लगाने का स्कोप नहीं बचता है इन क्वेश्चन में द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज इज जलदूत ऐप ठीक है जी जलदूत ऐप इसको डेवलप किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है पहली बात ये भी ध्यान में रखनी है वो ये भी पूछ सकता है कि इस ऐप को किसने डेवलप किया है है ना तो उसके अंदर वो चार पांच मिनिस्ट्रीज के नाम दे देगा नीति आयोग का नाम डाल देगा मल्टीपल नेम्स उसके अंदर वो एंटर कर सकता है तो वो पता होना चाहिए पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर में एंड इसको यूज किया जाएगा पूरे देश भर में टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड टू थ्री वेल्स इन अ विलेज एक विलेज के अंदर दो तीन वेल्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसमें वाटर लेवल को कैप्चर किया जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के अंदर ये ऐप जो है काम करेगा एंड इसके अंदर आप वाटर लेवल को बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी कैप्चर कर सकते हो एंड जो कैप्चर्ड डाटा है वो आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा ठीक है और जब आपका मोबाइल कनेक्टिविटी एरिया में आएगा तब ऑटोमेटिकली वो सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो प्रॉपर इन्होंने सिस्टम बनाया ताकि अगर लो कनेक्टिविटी एरियाज़ जो है वहां पर भी आप प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो कैप्चर कर सको ठीक है जी उसके बाद ये जो सारा डाटा है इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू अ डेटाबेस जिसको नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स सेंटर हम बोलते हैं एंड फर्दर फिर इसको आप एनालिसिस के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हो तो मेन पॉइंट आपने क्या याद रखना है जलदूत ऐप है जो विलेज वेल्स का वाटर लेवल को कैप्चर करेगा और दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये किसने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए नंदा लेक विच वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट इन ऑगस्ट ऑगस्ट के महीने में बेटा दस साइट को और रामसर स्टेटस मिला था इंडिया में से ठीक है उनमें से एक साइट थी आपकी नंदा लेक तो ये आपको बताना है कि ये जो नंदा लेक है ये कौन सी स्टेट के अंदर है ए कर्नाटका बी ओडिशा सी गोवा डी महाराष्ट्र ई बिहार सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर विल बी ऑप्शन सी गोवा नंदा लेक आपकी गोवा के अंदर है ये जो टेन की टेन साइट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनमें से सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो हेयर आर द टेन साइट्स जिनको अगस्त में रामसर स्टेटस मिला था उसके अंदर आपका कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर रंगा ना थी बर्ड सेंचुरी कर्नाटका के अंदर नंदा लेक गोवा के अंदर सक्तोसिया जॉर्ज ओडिशा के अंदर गल्फ ऑफ बायो मेराइन बायोस्फेयर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर वेलॉड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर उसके बाद आपका उदयम मरथंडापुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर और सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश के अंदर तो ये दस नाम आपको याद रखने हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे इसमें से ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो तमिलनाडु में से ही अगस्त के अंदर अनाउंस हुई हैं ठीक है तो एक बार और सुन लीजिए कुंथन कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में रंगानाथिटू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में नंदा लेक गोवा में सत्कोसिया जॉर्ज ओडिशा में गल्फ ऑफ मीनार बा, मैराइन बायसफर रिजर्व तमिलनाडु में वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में वेदन थंगलन थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में उदय मर्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में और सिरपुर वेटलैंड जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ अगस्त के महीने में यूनियन कैबिनेट जिसकी चेयरमैनशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि इंटरेस्ट सबवेंशन को रिस्टोर किया जाए शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन के लिए और ये कितने परसेंटेज पे बेसिकली इंटरेस्ट सबवेंशन को रिस्टोर किया गया है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन कितने परसेंट पे रिस्टोर कर दिया है? पहले इसको हटा दिया था तो वन परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट टू परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट और थ्री परसेंट सो द राइट आंसर गाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी वन पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन के ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन कितना रिस्टोर कर दिया वन पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट आ जाओ जी कैबिनेट अप्रूवल फॉर आई एस एस के ऊपर आ जाओ जो इंटर सेवेंशन का जो हमने न्यूज़ देखा था तो so, 1.5 परसेंट वाला यहाँ पर आ गया एंड ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेंगे चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक्स हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं आर हैं कॉपरेटिव हैं इज पैक्स हैं और ये जो है uh, 2022-23 से 2024-25 तक के लिए अनाउंस हुआ है अप टू थ्री लाख लोन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन ठीक है तो ये तीन लाख भी याद रखना है और ये पीरियड भी याद रख लेंगे 2022-23 से 2024-25 उसके अंदर भी सवाल वो पूछ सकता है फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कैबिनेट हैज अप्रूव फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जिसको आप एफ बोलते हो ऑफ शुगर केन फॉर शुगर सीजन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री दैट इज अक्टूबर से सेप्टेंबर अक्टूबर uh, 2022 से सितंबर 2023 तक के दो हजार बाईस अनाउंस हुआ है फॉर द बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25 इसके अंदर जो FRP होता है ना शुगर केन के अंदर वो रिकवरी रेट के ऊपर होता है गन्ने में से कितना रिकवरी हो रहा है ठीक है तो 10.25 परसेंट की रिकवरी के ऊपर कितना जो है आपका एफ अनाउंस हुआ है ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अंदर मैं इसको ऐड करूंगा इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी थ्री हंड्रेड एंड फाइव थ्री हंड्रेड एंड फाइव रुपीज पर क्विंटल का जो है एफ आर पी अनाउंस हुआ है अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं एफ आर पी के बारे में तो एफ आर पी मैंने आपको बताया कि 22 अक्टूबर से 2022 के अक्टूबर महीने से 2023 के सितंबर महीने तक 305 पर क्विंटल का है अगर जो रिकवरी रेट है वो 10.25 परसेंट का है। अगर 10.25 से इंक्रीज ज्यादा है अगर रिकवरी 10.25 परसेंट से ज्यादा है तो सरकार क्या बोलती है कि हर पॉइंट वन परसेंट के इंक्रीज के साथ जैसे अगर 10.25 की जगह 10.26 हो गया ठीक है तो फिर वो एफ आर का नहीं होगा फिर वो एफ बढ़ेगा कितना बढ़ेगा तो सरकार कहती है हर पॉइंट वन परसेंट इंक्रीज के साथ थ्री पॉइंट जीरो फाइव रुपीज पर क्विंटल जो है एफआरपी बढ़ जाएगा ठीक है तो अगर किसी का टेन पॉइंट टू सिक्स परसेंट का रिकवरी आ रहा है उसके शुगर के इनमें से तो उसको जो एफ मिलेगा वो कितना मिलेगा थ्री हंड्रेड एंड एट हो जाएगा उसका रिकवरी कम, कम होती है तो उस केस में हर पॉइंट वन के डिक्रीज के साथ थ्री पॉइंट जीरो फाइव रुपीज पर क्विंटल कम हो जाएगा यानी कि अब किसी की टेन पॉइंट टू फाइव की जगह टेन पॉइंट टू फोर की रिकवरी आई तो 10.24 की रिकवरी है तो उसका क्या मतलब है उसको एफ आरपी तीन का नहीं मिलेगा उसको एफ आरपी कितना मिलेगा तीन सौ पांच माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव पर क्विंटल का मिलेगा लेकिन अब ऐसा भी ना होना कि फार्मर की वो रिकवरी कम आ रही है तो उसका प्राइस बहुत लो चला जाएगा तो सरकार ने यहाँ पर एक बात बोली कि फार्मर का इंटरेस्ट हमने प्रोटेक्ट करना है तो अगर किसी का रिकवरी रेट साढ़े नौ परसेंट से नीचे जाता है तो फिर वो प्राइस रिडक्शन नहीं होगी जो हम ये बोल रहे हैं ना कि हर पॉइंट वन के डिक्रीज के साथ हम थ्री पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट फाइव परसेंट से कम नहीं होगा यानी कि साढ़े नौ परसेंट का तो हर किसी को प्राइस मिलेगा अगर किसी के गन्ने में से आठ परसेंट की रिकवरी आई तब भी उसको साढ़े नौ परसेंट का तो कम से कम एफ आर पी मिलेगा ही मिलेगा तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि साढ़े नौ से कम वाली रिकवरी वाले को भी टू एट्टी टू पॉइंट वन टू फाइव ये तो मिनिमम है इससे कम किसी को नहीं मिलेगा 282.125 चाहे आपकी शुगर केन में से जितनी ही 10.25% परसेंट से रिकवरी कम हो लेकिन आपको कम से कम ₹282 125 पैसे पर क्विंटल तो मिलना ही मिलना है 2021-20 में जो ये मिनिमम था जो अब 282.125 है 2020-21-22 -20 में ये 275.50 था तो इसके अंदर भी सरकार ने इंक्रीज जो है वो किया है अब सरकार का बोलना है कि जी, देखो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है शुगर केन की 2022 23 के लिए वो है वन सिक्सटी पर क्विंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एफ जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं थ्री हंड्रेड पर क्विंटल ठीक है 10.25 परसेंट की रिकवरी पे तो बेसिकली हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो हम एफआरपी दे रहे हैं फ आर पी एट्टी एट पॉइंट थ्री परसेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तो सरकार ने बोला कि देखो हमने बोला था 2018 के बजट में हम पॉइंट करते हैं ना वो वाला कि 2018 में सरकार ने बोला कि जो एम एस पी है या जो एफ आर पी है वो कम से कम डेढ़ सौ परसेंट होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ठीक है यानी कि कम से कम पचास परसेंट ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो सरकार ने कहा हमने वो वाला टारगेट भी अचीव कर लिया ये देखो ये भी एक क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पूछ सकता है कि कितना परसेंट जो है ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको एट पॉइंट थ्री परसेंट ओके जी और अगर हम दो हजार बाईस करें तो ये दो हज़ार -202 के मुकाबले ज्यादा सरकार इस बार दे रही है ठीक है चलिए अब कुछ और इसके अंदर मेजर्स भी हाईलाइटेड थे जो आपको नबार्ड के स्पेसिफिकली जो बच्चे जा रहे हैं फेज टू के लिए उनको काफी हेल्प करेगा कि सेलियंट फीचर सरकार ने क्या लिए शुगर सेक्टर के लिए कि भाई एफआरपी जो है इज फिक्स टू इंश्योर है गारंटीड प्राइस टू शुगर एक रिकवरी उनको मिले एफआरपी को चौंतीस परसेंट से इंक्रीज किया जा चुका है पिछले आठ सालों के अंदर में ठीक है सरकार ने एक मिनिमम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट भी लेकर के आए हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बेसिकली शुगर मिल ओनर्स हैं वो डिस्ट्रेस सेल ना करें वो ज्यादा सस्ती चीनी ना बेचनी पड़ जाए उनको क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा सस्ती चीनी बेच देंगे तो उनके पास किसानों को पैसा देने के लिए नहीं बचेगा जब चीनी की मिल्स ही लॉस में चलेंगी तो अल्टीमेटली फार्मर भी उसमें सफर करेगा तो यहाँ पर एक तरह से मिल ओनर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है कि आप मिनिमम आपको उनतीस रुपये में आप बेचें अब इसको इकतीस कर दिया गया दो के बाद से इसको इकतीस कर दिया गया है ठीक है जी उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस अट्ठारह हज़ार करोड़ की शुगर मिल उसको एक्सटेंड की गई है ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया जा सके ताकि वो मिल्स जो है बफर स्टॉक मेंटेन कर सकें इथेनॉल प्रोडक्शन का काम इंक्रीज़ कर सकें तो अल्टीमेटली जब मिल कमाएगी तो वो फार्मर का पैसा भी टाइम से चुकाएगी ओके डाइवर्स जो शुगर सर्पुलस शुगर है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए लेकर के जा रहे हैं उससे अगेन शुगर मिल्स की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है और क्लीन एनर्जी के अंदर भी हम काम कर पाते हैं ओके okay जी उसके बाद देखो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है तो हम डाटा क्या कहता है कि इंडिया ने करंट शुगर सीजन के अंदर जो ब्राजील था ब्राजील अभी तक क्या था सबसे ज्यादा शुगर को प्रोड्यूस करता था लेकिन करंट सीजन के अंदर इंडिया ने ब्राजील को भी सरपास कर दिया शुगर प्रोडक्शन के अंदर हमने ब्राजील से भी ज्यादा प्रोडक्शन किया करंट शुगर के इन सीजन में ठीक है जी एंड पिछले आठ सालों से आप देखोगे लगातार शुगर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज कर रही है और इससे क्या हो रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमारा फिजिकल डेफिसिट डेफिनेटली कम होता है है ना अगर आप लास्ट चार शुगर के सीजन देखते हो तो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है दो हज़ार में छः लाख मेट्रिक टन थी ठीक है उसके बाद अट्ठारह उन्नीस में थर्टी लाख देख रहे हो कितना इंक्रीज़ हुआ उसके बाद 19-20 में फिफ्टी 2021 में 70 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर वो एक्सपोर्ट हमने की तो 6 से 70 पे पहुंच गए हम सिर्फ चार सालों के अंदर सिर्फ चार सीजन के अंदर जो काफी कंट्री के लिए एक प्लस पॉइंट है एंड 100 एल अभी तक हम दो एक अगस्त 2022 तक इस साल कर चुके हैं ठीक है आपके 21 बाईस के सीजन <हं> के अंदर हंड्रेड एल अभी तक कर चुके हैं जब तक ये सीजन पूरा खत्म होगा अराउंड एक सौ बारह एल हो जाएगा तो कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं जो काफी बेनिफिशियल हमारे लिए रह रहा है ओके तो गाइज दिस वॉज सपोज टू बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ठीक है इसके अंदर मैंने पांच या छह क्वेश्चन भी डाले थे क्योंकि थोड़ा ये एफ वाला टॉपिक था आई वॉन्ट टू टू डेडिकेट समर एनर्जी टू दिस क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के अच्छे खास एक्सपेक्टेशन है करेंट अफेयर क्वेश्चन इन दिस सीरीज दैट वी आर डूइंग एंड नाव इन लास्ट यही कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लो ठीक है शेयर कर सको तो कर दो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो एंड प्लीज कमेंट जरूर करें लेक्चर के ऊपर अच्छा बुरा जैसा भी लगा ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय